चड्डा अंकल, चड्डा अंकल। मिस्टर चड्डा, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ दादाजी, आपको पता नहीं क्या, कोई कार थीफ आया है और एक हफ्ते में 20 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैं अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कार थीफ इसे कैसे चोरी करेगा। अरे ये रोबो बॉय का भी कहीं पता नहीं, वो आजकल बहुत ही आलसी हो गया है, कुछ काम नहीं करता। चिंता मत करो बंटी, रोबो बॉय उसे जरूर पकड़ लेगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मिस्टर चड्डा, आप चिंता ना करें, कार थीफ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। रात मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो दिखा ही नहीं। वो बहुत चालाक है, उसको पकड़ने के लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, उसे ट्रैप करना होगा। कार थीफ को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें एक नई कार दूंगा, एक ऐसी स्पेशल कार जिसे देखकर कार थीफ चोरी करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। दादाजी, दादाजी, मैं अंदर था और कार थीफ बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर, जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्ढा की कार वापस ला देगा। जिंटू, मिस्टर चड्ढा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगलम बगलम आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, मिस्टर चड्ढा की कार उनको मिल गई है। ये कार हॉल में कैसे आ गई? अब इसे बाहर कैसे निकालूं? बंटी की माँ, ओ बंटी की माँ, जल्दी इधर आ।